हेलो स्टूडेंट्स अस स्टार्ट लेक्चर 24.1 पार्ट टू लेक्चर 24.1 पार्ट वन में हम लोगों ने आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूरे कॉन्सेप्ट कैसे एक्सप्लेन होता है वो हमने आपको बताया उसके अलावा मीन के सारे कॉन्सेप्ट्स और मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूस सीरीज इन तीनों के आपको फॉर्मुलेस विथ प्रूफ एक्सप्लेन किए इस तरह से एक्सप्लेन किए कि आपको याद करने में परेशानी ना हो इंडिविजुअल सीरीज का सिंपल एक फार्मूला था डिस्क्रीट सीरीज के आपके पास तीन फार्मूले थे और कंटिन्यूस सीरीज के भी तीन फार्मूले थे और ये तीनों फार्मूले डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के सेम थे तो आज हम लोग सेलिना कंसाइज मैथ्स एक्सरसाइज 24 ए के क्वेश्चन नंबर 7 15 सॉल्व करेंगे जो कि डिस्क्रीट सीरीज के ऊपर बी उसमें मीन फाइंड आउट करना होगा फॉर सीरीज तो एक बार डिस्क्रीट सीरीज देख लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमारे पास पहला फॉर्मूला था डायरेक्ट मेथड जिसे हमने कहा था डायरेक्ट मेथड, x बार इज इक्वल टू सम आई अपॉन एन सेकेंड था हमारे पास शॉर्टकट मेथड.

तो ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करी थी और इस तरह से एक्सप्लेन करी थी कि आपको फॉर्मूले लर्न करने में भी बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी और इसमें मैं आपको एडवाइस करूंगा कि मोस्टली क्वेश्चन में आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करिए अगर एफ आई एक्सआई पहले चेक कर लीजिए अगर एफ आई एक्स आई इजिली कैल्कुलेट हो रहा कैलकुलेशंस है, हैं तो तो आप ये मेथड अप्लाई कीजिए अदरवाइज इन जनरल आई एडवाइज यू कि शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मेथड अप्लाई करिए चलिए क्वेश्चन नंबर सेवेंथ देखते हैं

इसमें से किसी एक को हम मीन एज्यूम कर लेंगे तो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वैल्यूज हैं तो इसको हम एज्यूम मीन एज्यूम कर लेंगे अब देखिए यहाँ पे विथ इक्वल है ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन वन जो है आपके पास कॉमन फैक्टर है पर हम लोग यहां पे स्टेप डेविएशन यूज नहीं करेंगे और वैसे करेंगे भी तो भी वो जो है यही आ जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू वन है तो मैंने जैसे बताया था कि कोशिश करिए डिस्क्रीट सीरीज में जब तक लिखा हुआ ना आए तब तक हम इसे शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मैथड से ही करेंगे तो आई अभी लिख इसकी टेबल में इसे मैंशन कर देते हैं। अब किसी एक कॉम मीन एज्यूम कर लेते हैं तो लेट दिस बी ए की लेट ए इज इक्वल टू फिफ्टीन सेंट्रल वैल्यू को हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया और डी आई होता है हमारे पास एक्स आई माइनस है तो एक्स आई है अब हम इसमें से 12 माइनस फिफ्टीन करेंगे माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री ये आ जाएगा और नेक्स्ट हम लोगों को देखिए क्या निकालना होता है एफ आई डी आई निकालना है तो एफ आई डी आई हम निकाल लेंगे तो एफ आई डी आई क्या हो जाएगा टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स माइनस एट माइनस सिक्स जीरो ट्वेल्व देखिए कितनी ईजी हो गई सिक्सटीन इंटू एट सेवनटीन इंटू सेवन एटीन इंटू फोर करना पड़ रहा था अब हमने क्या करा टू इंटू माइनस थ्री फोर इंटू माइनस टू सिक्स इंटू माइनस वन तो बहुत जल्दी जल्दी हो गया अब ये देखिए कितना हो गया ट्वेल्व एंड एट ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी और ये हो गया हमारे पास फोर और टू सिक्स एंड एट फोर्टीन फोर वन टू थ्री थर्टी फोर तो यहां पे समेशन एफ आई डी आई आ गया आपके पास थर्टी फोर माइनस ट्वेंटी दैट इज फोर्टीन तो हमें दो चीजें की जरूरत पड़ती है ए कैपिटल एन है ये कैपिटल एन है तो एक तो हमें कैपिटल एन की एक तो कैपिटल एन चाहिए कैपिटल एन क्या होता है हमारे पास समीशन एफ आई तो fi कितना हो जाएगा तो यहां पे देखिए साफ दिया है स्टूडेंट्स तो काउंट करने की भी जरूरत नहीं है 40 है तो अब इस फॉर्मुले में आप सब्सिट्यूट कर दीजिए तो एक्स बार इज इक्वल टू ए आपके पास है फिफ्टीन प्लस समीशन एफ आई डी आई है आपके पास फोर्टीन अपॉन फोर्टी इसे सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा पॉइंट थ्री फाइव बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया देखिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इफ 69.5 ज द मीन ऑफ दिस फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स तो सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया था तो so यहां पे आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन ऑब्जर्वेशन है और इंडिविजुअल सीरीज है देखिए सबसे पहले लिखिए कौन सी सीरीज है तो इंडिविजुअल सीरीज है इंडिविजुअल सीरीज है तो एक्स बार होगा आपके पास समीशन एक्स आई अपऑन एन सबसे पहले ये लिख लीजिए अब आपके पास क्या है देखिए इस बार मीन दिया है बार गिवन है 69.5 एन आपके पास 10 है तो क्या हो जाएगा 69.5 टू सेवेंटी टू प्लस सेवनटी प्लस एक्स प्लस फिफ्टी प्लस सेवनटी वन प्लस नाइन्टी प्लस सिक्सटी फोर प्लस फिफ्टी एट प्लस एटी टू अपॉन टेन तो ये हो जाएगा 695 नाइनटी फाइव इज इक्वल टू अब इन सबको एड कर दीजिए

समीशन एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन ओके तो हम ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं xi fi और di. तो ऑब्जर्वेशन इसको हम लोग एज्यूम्ड मीन कर लेते हैं तो ए जो मीन एज्यूम किया वो हमने किया सिक्सटी को तो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस सिक्सटी ओके आप देखिए बहुत सिंपल है तो वैल्यूज आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ पे फिफ्टी फिफ्टी फाइव अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ द मीन हाइट ऑफ प्लांट इज 69.5 यानी कि एक्स बार आपके पास यहां पे गिवन है 60.95 आपको फाइंड आउट करना है क्या है फाइंड वैल्यू ऑफ एफ इस एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये एक इक्वेशन है इस इक्वेशन में एक अननोन आप कोई सा भी निकाल सकते हैं तो अभी तक हमने एक्स बार निकाला अब हमें एक f1, f2, f3, f4 ये f4 हमें फाइंड आउट करना है तो ऐसे ही निकलेगा सेम है कहीं कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है तो इसे हमने assumed mean कर लिया, तो 50 अब एफ आई डी आई कर दीजिए एफ आई डी आई क्या हो जाएगा देखिए माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी एफ इंटू जीरो इज जीरोजी हो गया देखिए तो 5 तो 5, तो एक तो हमें एक हमें चाहिए होता है और कितना हो जाएगा 2 plus 4. अब आप जीरो करने के बाद सोचेंगे यहां तो जीरो हो गया अभी एफ कैसे निकलेगा एफ यहां से निकलेगा तो टू प्लस फोर सिक्स सिक्स प्लस टेन सिक्सटीन एंड फाइव ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एट प्लस ये आपके पास कैपिटल N आ गया यानी कैपिटल N आपके पास है 28 प्लस और समीशन एफ आई डी आई है आपके पास समीशन एफ आई डी आई निकाल दीजिए समीशन एफ आई डी आई कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा माइनस सिक्सटी और ये हो जाएगा आपके पास एट फोर और टू और एट मीन थर्टी एट तो ये हो गया थर्टी एट अब इस फॉर्मूले में सब्सिट्यूट कर दीजिए तो सिक्सटी पॉइंट नाइन फाइव इज इक्वल टू ए है आपके पास सिक्सटी प्लस समीशन एफ आई डी आई है आपके पास थर्टी एट अपॉन ट्वेंटी एट प्लस एफ अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा इसको इधर ले जाए तो पॉइंट नाइन फाइव इज इक्वल टू थर्टी एट अपॉन ट्वेंटी एट प्लस एफ तो ट्वेंटी एट प्लस एफ इज इक्वल टू थर्टी एट अपॉन पॉइंट नाइन फाइव इसे डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास एफ इज इक्वल टू ट्वेल्व देखिए बड़ा सिंपल था सिंपल कैलकुलेशन थी कहीं कोई कंफ्यूजन कहीं कोई डाउट नहीं था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रॉम द द द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट मीन मीन वेजेस करेक्ट टू निकालना है सबसे पहला हमारा क्या है कि मीन वेजेस निकालना है तो वेजेस दिया है और कौन सी देखिए डिस्क्रीट सीरीज है तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम लोग वही समेशन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन ये अप्लाई करेंगे डिस्क्रीट सीरीज के लिए तो आपके पास वेजेस आ जाएगा यहां पे और यहां पे आ जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स मींस एफ आई नंबर ऑफ वर्कर और ये हो गया आपके पास एक्स आई इसमें से किसी एक को हम मीन एज्यूम कर लेंगे तो सपोज दिस इज योर मीन तो ये हो जाएगा आपके पास तो देखिए हम लोगों ने टेबल ड्रॉ कर ली समिश ये डी आई एक्स आई माइनस सेवेंटी माइनस ट्वेंटी माइनस टेन ये ए हमारे पास यहाँ पे आ गया तो फिफ्टी माइनस सेवेंटी सिक्सटी माइनस सेवेंटी माइनस टेन सेवेंटी माइनस सेवेंटी जीरो एटी माइनस सेवेंटी टेन नाइनटी माइनस सेवेंटी ट्वेंटी हंड्रेड माइनस सेवेंटी थर्टी और फिर एफ आई डी आई कर दिया माइनस फोर्टी माइनस फोर्टी जीरो वन ट्वेंटी हंड्रेड एंड वन एटी और फिर हमने समीशन एफ आई डी आई ए निकाल लिया और समीशन एफ आई मीन कैपिटल ये निकाल लिया अब इस फॉर्मूले में हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ए तो हमारे पास है सेवन टी प्लस एफ आई डी आई हमारे पास फोर ट्वेंटी अपॉन फोर्टी टू मीन सेवनटी प्लस टेन दैट इज एटी तो ये हमारे पास एक्स बार आ गया यानी कि एक्स बार हो गया हमारे पास मीन वेजेस हो गई हमारे पास वर्कर की एटी रूपीज अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छा है कई बार इसमें स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि इफ नंबर ऑफ वर्कर इन ईच कैटेगरी इज़ डबल्ड नंबर ऑफ़ वर्कर मींस एफआई को डबल कर दिया यानी जो फ्रीक्वेंसी है उसको डबल कर दिया कि जो 50 रुपीस ले रहे थे वो टू की जगह फोर 60 रुपीस जो ले रहे थे फोर की जगह एट 70 रुपीस वाले 16 80 रुपीस वाले 24 90 रुपीस वाले 20 और 100 वाले 12 हो जाए तो जो है न्यू मीन वेज क्या होगा तो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट जब समझाया था सबसे लास्ट में कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे यानी कि फ्रिक्वेंसी की मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक नंबर से किसी एक क्वांटिटी से या फिर उसको डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मीन है वो सेम रहेगा तो तो यही मैंने आपको लिखा देखिए इफ नंबर ऑफ वर्कर इज डबल यानी फ्रीक्वेंसी डबल करिए तो न्यू मीन विल रिमेन सेम कई बार जल्दबाजी में पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं इसको ऑब्जर्वेशन समझ लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो वेजेस है ऑब्जर्वेशन मतलब वेजेस वेजेस डबल कर दी तो अगर हम इसको वेजेस को डबल कर देंगे तो वेजेस को डबल करते साथ ही जो न्यू मीन होगा वो भी डबल्ड हो जाएगा अगर वेजेस को डिवाइड कर देंगे तो मीन भी जो है उससे डिवाइड हो जाएगा सेम क्वांटिटी से अगर वेजेस में कुछ एडिशन करेंगे तो न्यू मीन में भी उतना ही एडिशन होगा तो यहां पे हमारे पास सेम रहेगा नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं इसका कि इफ वेजेस पर डे इन ईच कैटेगरी आर बाय 60 वट इज द न्यू मीन एज तो न्यू मीन एज क्या हो जाएगा 60 परसेंट अगर हम इंक्रीज करते हैं तो 60 परसेंट इंक्रीज करते साथ न्यू मीन भी जो है 60 परसेंट इंक्रीज हो जाएगा प्रीवियस मीन का

तो फ्रीक्वेंसी को डबल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो हमारे पास जो न्यू मीन वेज होगा सेम रहेगा एंड द वेजेस पर डे पर वर्कर आर रिड्यूस्ड बाय 40 परसेंट और वेजेस जो है वो रिड्यूस कर दिया 40 परसेंट से व्हाट वुड बी द न्यू मीन एज तो न्यू मीन एज वेज क्या होगा तो न्यू मीन वेज क्या होगा 40 परसेंट रिड्यूज हो जाएगा सिंपल फ्रीक्वेंसी से तो फर्क नहीं पड़ेगा फ्रीक्वेंसी के कारण तो सेम रहेगा पर जो उसने वेजेस में रिड्यूस किया फोर्टी परसेंट तो न्यू मीन वेज भी फोर्टी डिक्रीज हो जाएगी तो अब यही हम लिखेंगे तो देखिए नंबर ऑफ वर्कर डबल तो नो चेंज इन मीन न्यू वेजेस रिड्यूस्ड बाय 40 फोर्टी परसेंट तो न्यू मीन वेज रिड्यूस्ड बाय फोर्टी परसेंट अब इन दोनों को अगर हम कंपाइल कंपाइल कर दे तो दिस इंप्लाइज कि न्यू मीन वेज इज इक्वल टू से दिस इज फर्स्ट से दिस इज सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड इंप्लाइज की न्यू मीन वेज इज इक्वल टू एटी माइनस फोर्टी ऑफ एटी एटी माइनस थर्टी टू दैट इज फोर्टी एट रुपीज तो अगर हम 40 परसेंट वेजेस को रिड्यूस कर दें और फ्रीक्वेंसी को नंबर ऑफ वर्कर को डबल कर दें तो जो हमारे पास न्यू मीन आएगा वो फोर्टी एट रुपीज होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन क्वेश्चन को आप नोट डाउन भी करते रहिए जिससे आपके नोट तैयार होते रहे क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ देखते हैं तो द कंटेंट ऑफ हंड्रेड मैच बॉक्स वर चेक टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचेस दे देट अब हमारे पास मैच बॉक्स है हंड्रेड मैच बॉक्स है और हर बॉक्स में कुछ मैचेस कंटेन है कैसे कैसे कि 35 मैच बॉक्स मैचेस हैं सिक्स बॉक्सेस में 36 मैचेस हैं टेन बॉक्सेस में और 37 मैचेस हैं एटीन बॉक्सेस में तो ये हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस है और ये टोटल हमारे पास हंड्रेड ओके okay? और यहां पे नंबर ऑफ मैचेस या मैच स्टिक भी कह सकते हैं वो है कैलकुलेट करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस द मीन नंबर ऑफ मैचेस पर बॉक्स मीन नंबर ऑफ मैचेस का मतलब है कि पर बॉक्स कितनी मैच स्टिक हमारे पास नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी मैच स्टिक हमारे पास है इन्होंने मैचेस से भी कहा उसको तो इसमें सिंपल हम लोगों को मीन फाइंड आउट करना है तो मीन फाइंड आउट करने के लिए अगर हम इसमें एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन लगाएंगे तो एफ आई एक्स आई देखिए थर्टी फाइव इंटू सिक्स थर्टी सिक्स इंटू टेन थर्टी सेवन इंटू एटीन थर्टी एट तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी तो हम लोग इसमें शॉर्टकट या एज्यूम एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करेंगे समीशन एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन तो उसके लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में बनाइए

एफ आई डी आई कर दीजिए देन दिस इज माइनस एटीन दिस इज माइनस ट्वेंटी तो देखिए एफ आई डी आई आ गया आपके पास माइनस एटी सिक्स इंटू माइनस थ्री टेन इंटू माइनस टू इज माइनस ट्वेंटी अब नेगेटिव वाली टर्म्स एक साथ ऐड कर ली पॉजिटिव वाली टर्म एक साथ ऐड कर ली और हमें समीशन एफ आई डी आई फाइंड आउट करना है तो वो कितना हो जाएगा सिक्सटी नाइन माइनस फिफ्टी सिक्स दट इज थर्टीन और समीशन एफ आई हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें मालूम है हंड्रेड है तो ये आप इन्हें ऐड भी करेंगे तो हंड्रेड ही आएगा अभी सिंपल इसमें फॉर्मुले में अप्लाई कर दीजिए तो एक्स बार इज इक्वल टू ए हो जाएगा आपके पास थर्टी एट प्लस समीशन एफ आई डी आई इस थर्टीन अपॉन एन इज हंड्रेड दैट इज थर्टी एट प्लस पॉइंट वन थ्री दैट इज थर्टी एट पॉइंट वन थ्री और यहां पर आप लोगों को कैलकुलेट करेक्ट टू वन डेमल प्लेस करना है तो एक्स बार करेक्ट टू वन डेसीमल प्लेस वो आ जाएगा आपके पास 38.1 अब इसका सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिटरमाइन हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैचेस वुड हैव टू बी एडेड टू द टोटल कंटेंट ऑफ द हंड्रेड टू ब्रिंग द मीन अप टू एक्सैक्टली 39 अब हम लोगों को इसमें इतनी मैच स्टिक एड करनी है यहाँ पे बॉक्सेस में इतनी मैच स्टिक्स एड करनी है कि उनका जो मीन है वो थर्टी की जगह थर्टी आ जाए तो यहाँ पे हम कितनी मैच स्टिक्स एड करेंगे तो ये नहीं दिया है कि हर एक में आपको इक्वल मैच स्टिक्स एड करनी है आप अलग अलग मैच स्टिक्स भी ऐड कर सकते हैं तो टोटल में कितनी मैच स्टिक्स ऐड करनी है कि सो देट आपके पास जो मीन है वो हंड्रेड आ जाए तो सबसे पहला चीज एक चीज आप ध्यान रखिए कि यहां पे आपके पास नंबर ऑफ मैच स्टिक्स अभी है कितनी तो नंबर ऑफ मैच स्टिक है कितनी वो देखते हैं हम तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हैं आपके पास ये आपके पास 35 मैचेस वाले बॉक्सेस हैं 36 मैचेस वाले बॉक्सेस बॉक्सेस हैं हैं 37 मैचेस वाले यानी 35 सिक्स बॉक्सेज ये आपके पास नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हैं तो अगर हम इसे इस तरह से कहें कि आपके पास एक मीन का फॉर्मूला होता है जो डायरेक्ट मेथड था एक्स बार इज इक्वल टू समन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन तो ये तो आपके पास मीन होता है ये आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है और ये दिस वन ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि ऑब्जर्वेशन मींस यहां पर जैसे हमारे पास मैच स्टिक्स है तो एफ आई की फ्रिक्वेंसी की अगर हम एक्स आई से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आता है अगर हम यहां पर बात करें तो देखिए फोर्टी वन इंटू एट प्लस इंटू ट्वेल्व प्लस इंटू ट्वेंटी यही तो फॉर्म है आपके पास यही वाली फॉर्म है आपके पास तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स की बात करें तो यानी कि समीशन एफ आई एक्स आई समीशन एफ आई एक्स आई ये क्या हो जाएगा एक्स बार इंटू एन हो जाएगा तो यहां पे अगर हम लोग यहां पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ इसे नंबर ऑफ कीजिएगा टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स की बात करें हमारे पास है कितनी तो मीन कितना है थर्टी एट पॉइंट वन थ्री इन टू एन कितना है हमारे पास हंड्रेड दैट इज थ्री एट वन थ्री तो ये तो करेंटली हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हैं अब वो कह रहा है कि कितनी मैच स्टिक्स ऐड कर दें कि मीन जो है आपका 39 हो जाए मीन्स ये जो मीन है ये 39 हो जाए और ये एन आपके पास 100 ही रहे तो अगर आपके पास मीन 39 है एन टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हंड्रेड ही है तो टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी हो जाएंगी थ्री नाइन जीरो जीरो और पहले कितनी है हमारे पास थ्री एट वन थ्री तो कितनी एड करनी पड़ेगी थ्री एट थ्री नाइन जीरो जीरो माइनस थ्री एट वन थ्री ओके तो न्यू मीन इज इक्वल टू आपके पास है थर्टी नाइन नंबर ऑफ बॉक्सेस है आपके पास हंड्रेड तो टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितनी हो गई विद मीन 39 कितनी हो गई है 39 नाइन इंटू हंड्रेड दैट इज थ्री नाइन ओके इट मीन्स कितनी हमने मैच स्टिक एड करी दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ मैच स्टिक्स एडेड क्वल टू थ्री नाइन जीरो जीरो माइनस थ्री एट वन थ्री दैट इज एटी सेवन तो एटी सेवन स्टिक्स हमें ऐड करनी पड़ेगी इज द आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज थ्री फाइंड द वैल्यू ऑफ पी तो देखिए इसमें तो बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है फाइव इंटू थ्री तो यहां पे तो हम समेशन एक्स बार इज इक्वल टू डायरेक्ट मेथड लगाएंगे समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन कैपिटल एन डिस्क्रीट सीरीज का केस है तो क्या हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन थ्री दिया यानी कि एक्स बार हमें यहां पे थ्री की वन है पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो एक्स बार क्या हो जाएगा वन इंटू नाइन प्लस टू इंटू सिक्स प्लस थ्री इंटू नाइन प्लस फाइव इंटू थ्री प्लस पी प्लस फोर इंटू सिक्स अपॉन समेशन एफ आई मीन नाइन प्लस सिक्स प्लस नाइन प्लस थ्री प्लस सिक्स है हमारे पास थ्री इज इक्वल टू नाइन प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी सेवन सिक्स पी प्लस ट्वेंटी फोर अपॉन इन्हें ऐड कर दीजिए फिफ्टीन ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सेवन एंड थर्टी थ्री तो ये हो जाएगा नाइनटी नाइन इज इक्वल तो पी इज इक्वल टू टू तो बहुत सिंपल था इन सबको ऐड कर दिया डिवाइडेड बाय 33 और ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 99 नाइन इज इक्वल टू इन सबको ऐड कर दिया तो 87 सेवन प्लस सिक्स पी तो सिक्स पी इज इक्वल टू नाइनटी नाइन माइनस एटी सेवन दट इज ट्वेल्व पी इज इक्वल टू टू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन दी फॉलोइंग टेबल समीशन एफ इज इक्वल टू टू हंड्रेड तो समीशन एफ हमें पता है कि क्या होता है ये होता है F, इन एड कर दीजिए एंड द मीन इज सेवेंटी थ्री फाइंड दिसिंग अब आपके पास देखिए दो इक्वेशन आएंगी कैसे कैसे आएंगी सबसे पहले तो हमें यहाँ पे समीशन एफ इज इक्वल टू टू हंड्रेड दैट इज दिस इंप्लाइज टू हंड्रेड इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स प्लस एफ वन प्लस एफ टू प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस टेन प्लस फाइव दो अनोन है दो इक्वेशन हमें चाहिए तो टू हंड्रेड इज इक्वल टू फोर्टी सिक्स

F1 is 50, F1 plus 100, F2 plus की वैल्यू 73 रख दी समीशन एफ आई एक्स आई आपने यहां पे कर दिया टू जीरो इंटू फोर्टी सिक्स फिफ्टी इंटू एफ वन ये यहाँ पे वैल्यूज आ गई और अपॉन समीशन एफ आई समीशन एफ आई देखिए ये था आपके पास मींस इसको जब सॉल्व किया था तो 86 सिक्स प्लस एफ वन प्लस एफ टू ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सेवन सेवन सिक्स टू सेवन एट को इधर लेगा और इन दोनों टर्म्स को हम लोग इधर ले आए तो ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड आ गई अब दो इक्वेशन है दो अनन नॉन है इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए हमारे पास इक्वेशन इक्वेशन नंबर थी इस इस को को हमने 27 से, इस को 27 से से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल एडिशन कर दिया एफ वन की वैल्यू 76 आ गई अब हम इस एफ वन की वैल्यू इक्वेशन वन में दोबारा से सब्सिट्यूट करते हैं तो सेवन प्लस एफ टू इज इक्वल टू वन वन फोर दट इज एफ टू इज इक्वल टू एफ टू इज इक्वल टू थर्टी एट तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर फोर्टीन है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड इस बार हमें स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना है लिख के आया है और देखिए यहाँ पे आपके पास कॉमन फैक्टर है फाइव इक्वल वेट है तो यहाँ पे आई हो गया आपके पास फाइव ओके okay? तो हम यहां पे ये यह आपके पास फ्रिक्वेंसी है एफ तो एक्स और ये एफ स्टेप डेविएशन मेथड क्या था हमारे पास कि एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस आई इन टू टी अपॉन एफ आई टी आई अपॉन एन और टी आई क्या था हमारे पास टी आई था एक्स आई माइनस ए अपॉन आई ये थी तो सबसे पहले हम एक्स आई माइनस ए ये फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद एक्स आई माइनस ए अपॉन आई ये फाइंड आउट कर लेंगे देखिए ये I और ये I, I suffix है, ये I different है, ये और है है हमारे पास कॉमन फैक्टर है ये I हमारे पास suffix है X1, X2, X3, X4 जो represent करता है जो करता वो है तो ए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन ऑब्जर्वेशन है तो आप फिफ्थ या सिक्स ऑब्जर्वेशन को एज्यूम कर लीजिए तो इसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं तो माइनस ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन माइनस टेन एंड अब XI A I, H, I कितना है हमारे पास? यहां पे I हमारे पास पास पे जो कॉमन फैक्टर है वो फाइव है तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव ये हो गया हमारे पास टी अब हमें F, F उट करना है तो एफ आई इन टू एफ आई आपके पास आई टी आई कर दिया आपने ये माइनस वाली टर्म्स एक साथ आपने एड कर लिया माइनस का फोर टू सिक्स और ये प्लस का टू वन टू और इनको हमने एड कर दिया तो माइनस का टू वन फोर ये टी आई आगे हो गया हमारे पास आई टी आई और इसके अलावा समीशन एफ आई ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो समीशन एफ आई है हमारे पास थ्री एटी फोर अब हम इसे फॉर्मूले में सबसे कर देते हैं तो समीशन एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए ए हमारे पास है ट्वेंटी फाइव प्लस आई आई है हमारे पास फाइव इंटू एफ आई टी आई है हमारे पास माइनस का टू वन फोर एन है हमारे पास थ्री एट फोर तो इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ट्वेंटी फाइव माइनस फाइव इंटू टू वन फोर अपॉन थ्री एट फोर

और डी आई डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए और ए हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं और अब हम वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं सबसे पहले सब फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा समीशन एफ आई डी आई अपॉन कैपिटल एन ए हमने यहां पे 45 फाइव एज्यूम कर लिया एफ आई डी आई तो एफ आई आपके पास ये है डी आई ये है एफ आई डी आई माइनस एटी एट और समीशन एफ आई आपके पास टू हंड्रेड तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए ए ए आपके पास है फोर्टी फाइव प्लस एफ आई डी आई है टू हंड्रेड फोर्टी फाइव माइनस पॉइंट फोर फोर दैट इज फोर्टी फोर पॉइंट फाइव सिक्स और एक्स बार करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस ये कितना हो जाएगा वो जाएगा 44.6 दिस इज एक्स तो आई थिंक ये एक्सरसाइज और ये कॉन्सेप्ट सारे आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फाइंड आउट करेंगे सीरीज का सेम कॉन्सेप्ट चलेंगे और एक्सरसाइज 24 बी सॉल्व करेंगे ओके थैंक यू